हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत रूटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर, और आज का ये वीडियो का हमारा पार्ट 3, टॉपिक वही है डेसिमल्स। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो शुरू के दो टॉपिक्स हैं इसको हमने कवर कर लिया था पहले ही, और लास्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये थे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो ये फोर्थ टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखेंगे, हाँ कोई भी दो डेसिमल्स हैं उसको कंपेयर करना सीखेंगे, और ये फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा जिसमें हम लोग ऑपरेशंस करना है, ऑपरेशंस मतलब यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से है। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो इस जो फिफ्थ हमारा टॉपिक है इसमें समय अनुसार देखेंगे हम लोग कि अगर हो सकेगा तो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, डेसिमल्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करके फिर हमारा जो अगला टॉपिक है टू डेसिमल्स को कंपेयर करना उसको करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे डेसिमल नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, तो इसके बारे में चर्चा तो हमने किया है। पहले हमें ये देखना होता है कि किन दो होल नंबर्स के बीच में है वो डेसिमल, ठीक है। और उसके बाद जैसे प्लेस देखना है, टेंथ प्लेस पे है तो कितना पार्ट करना है, हंड्रेड प्लेस पे है तो कितना पार्ट करना है। अब उन्हीं बातों को क्विकली हम कुछ एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 2.4 और एक नंबर लेते हैं 3.15 और एक तीसरा नंबर लेते हैं 1.713, ठीक है। ये तीन नंबर, तीन डेसिमल्स हैं। एक देख रहे हैं आप जिसके डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है, एक में दो डिजिट है और एक में तीन डिजिट है। तो कैसे हम इन डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि अगर किसी भी डेसिमल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे तो सबसे पहले देखना है कि वो किन दो होल नंबर्स के बीच में पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, देखने समझ में आ रहा है कि इसका जो होल पार्ट है वो टू है, मतलब टू से ज़्यादा होगा, और टू के बाद क्या आता है थ्री, तो थ्री से पहले होगा, मतलब टू और थ्री के बीच में पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टू और ये थ्री हो गया, चलिए फोर फाइव भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं एक ही डिजिट है, एक डिजिट का मतलब ये हुआ कि ये अगर एक डिजिट है तो समझिए कि हमें टेन पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हमें टू और थ्री को, टू और थ्री के बीच में है ना, ये जो हमारा ये डेसिमल है टू और थ्री के बीच में है, तो टू और थ्री को ही हम लोग को टेन पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, और ये जो एक पार्ट है इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फोर पार्ट में डिवाइड करने के लिए, सॉरी फाइव पार्ट में। तो फाइव पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर टाइम्स लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। काउंट कर लीजिए, ये फोर पार्ट, आई मीन फाइव पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो सेकेंड पार्ट था उसको भी फाइव पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे या ये कहीं फोर मार्क्स करेंगे। अब हम लोग को ये टेंथ प्लेस पे फोर है तो हमें क्या करना, ये जो ये तो हमारा पॉइंट जो है वो टू है, तो इसको छोड़कर जो आगे के पॉइंट्स है राइट साइड में काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे वन, तो ये हो गया वन, सॉरी वन नहीं, कितना है टेंथ प्लेस पे फोर है तो फोर काउंट करेंगे, तो ये हो गया वन टू थ्री फोर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट मिला हमें ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2.4, ठीक है। अब देखते हैं 3.15 को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो अब अगेन इस पर भी हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये किन दो होल नंबर्स के बीच में पड़ेगा। तो होल पार्ट इसका 3 है, मतलब 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें हम लोग 3 और 4 को मार्क कर लेते हैं पहले, 3 और 4 ये दो होल नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे आपको दो डिजिट्स हो रहे हैं, दो डिजिट्स हो रहे हैं, यानी कि 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना, 100 पार्ट में डिवाइड करना है। और उसका जो 15th पार्ट होगा इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3 and 15 by 100, तो 3 होल हो गया और ये 15 by 100, मतलब जो 3 और 4 के बीच में है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करना है और उसका 15th पार्ट हमें जो होगा वो 3.15 होगा। अब आप सोचिए इतना छोटा सा प्लेस हमने यहाँ पे बनाया है, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इसको हम लोग पहले 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको पहले 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे अभी हम लोग किए थे,
अब इसका हम टेंथ डिजिट देखते हैं, टेंथ डिजिट क्या है, वन, टेंथ डिजिट वन है, तो अब इसमें वन कहाँ पे है, तो ये हमारा वन हो गया, है ना, तो वन के बाद क्या आता है, टू आता है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो टू हो गया। अब ये जो दो पॉइंट मिला हमको, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा 3.1, और ये क्या होना चाहिए, 3.2। अब आप ध्यान दें तो 3.1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.10, और 3.2 को लिख सकते हैं 3.20, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3.10 एंड 3.20। अभी हम लोग ऐसे रीड तो करते नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको भी रीड कर रहे हैं 3.10 एंड 3.20। तो ये जो क्या 15 है, मतलब ये 3.10 और 3.20 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये जो दो पॉइंट मिला है इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये इन दो पॉइंट्स को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100। अब ऐसे समझ लीजिएगा हर एक पार्ट को, यहाँ पे हम लोगों को कितना पार्ट्स में डिवाइड किए थे, 10 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स में डिवाइड किए थे 3 और 4 को। अगर इसका हर एक पार्ट को फर्दर हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 100 पार्ट्स नहीं हो जाएंगे, देखिए तो ये 10 + 10 + 10 + 10 + करिए 10 × 10 100 पार्ट्स हो जाएगा। तो हमको तो सभी को डिवाइड करने की फर्दर जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट है वो 3.1 और 3.2 के बीच में है, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है 3.15। तो हम लोग अब यही दो पॉइंट को सिर्फ 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इतना कम स्पेस में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं 3.1 और दूसरा पॉइंट लेते हैं 3.2, मतलब यही दो पॉइंट को थोड़ा अब हम लोग एक्सपैंड कर दिए, समझ लीजिए कि इसको लेंस इसके सामने लगा दिए, तो लेंस लगाएंगे तो ये दो छोटा जो दिख रहा था वो क्या हो गया, इतना बड़ा अब इसका साइज हो गया। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना हमारे लिए ईजी हो गया, तो हम इसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको 5 पार्ट्स में, फिर इसको अगेन 5 पार्ट्स में। तो अब समझ लीजिए कि ये जो आपका पॉइंट है ये 3.10 था, 1 मतलब 10 और ये 3.20, तो ये 10 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये जो पॉइंट मिला हमको ये क्या कहलाएगा, 3.15, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 1.713 है, तो 1.713 मतलब अब ये इसका होल पार्ट अगर आप ध्यान दें तो ये 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 1 और 2 कहाँ है, ये रहा वहाँ 1, ये 1 रहा और ये रहा 2, तो 1 और 2 के बीच में होगा 1.713, ये तो बात स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे तीन डिजिट्स हैं 713, तो लास्ट डिजिट्स क्या है, थाउजेंड्स प्लेस है ना, मतलब इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, 713,000, यही रीड करते थे ना, याद आपको होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 713/1000। मतलब ये कि अब हमें 1 और 2, ये जो दो पॉइंट्स है इनके बीच जो स्पेस है, इसको हम लोग को 1000 पार्ट में डिवाइड करना है, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट, हम लोग 1000 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते इतना कम स्पेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 10th प्लेस इसका देखिए 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो पॉइंट मिला ये क्या होना चाहिए, 1.7, और इसके बाद ये जो पॉइंट मिला ये क्या होना चाहिए, 1.8। अगर एक जीरो लगा दें या दो जीरो लगा दें, है ना, राइट साइड में हम लोग कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ये बात आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया है। तो ये हो जाएगा 1.700, ये हो जाएगा 1.800। अब आप ध्यान दीजिए तो 713 जो हो रहा है ये 700 और 800 के बीच में होगा, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फर्दर, अब इसको हम लोग मैग्नीफाई कर देते हैं, तो इसको एक यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है बट आप समझ सकते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पे 1.7 एक पॉइंट लेते हैं, 1.7, और एक दूसरा ही ले लेते हैं यहाँ पे 1.8, ठीक है। अब फिर अब हम लोग इसको अगेन हम 100 पार्ट में डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल, मतलब आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको सिर्फ 10 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं, अब हर एक पार्ट को 100 पार्ट में डिवाइड करें तो 100 × 10 क्या हो जाएगा, 1000 पार्ट हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा सा को हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, थोड़ा हम बड़ा कर लिए इसको, लेकिन अभी भी इसको 100 पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको 10 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं,
थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से ऐसा कर पाएंगे। मतलब बेसिकली तीन डिजिट है तो हमें एक ही थ्री टाइम्स उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, थ्री टाइम्स। तो हमने ये अभी हमने सेकंड टाइम्स में हम लोग, ठीक है, तो ये 1.700 हो गया, 1.800 हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आप नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अब ये जो सेवन के बाद और एट, यहाँ पे कौन सा डिजिट है हमारा, वन है, यानी 710 हम लोग लेते हैं, तो ये 700 हो गया। अब हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, 1.71, 710 होना चाहिए, क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तब ना ये 800 होगा। 710, 720, 730, 40, 50, 60, 790, तब ना 800 होगा। मतलब ये जो पहला पॉइंट है वो 710 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 730 में। तो ये सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, 7.20 होना चाहिए। मतलब अब आपको एक बात और समझ में आ गया कि ये जो हमारा है 713, ये किसके किसके बीच में होना चाहिए, 710 और 720 के बीच में होना चाहिए। ये बात अभी स्पष्ट हो गया, तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ 1.720 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको दो पॉइंट फिर मिला, कौन कौन, 1.710 एंड 1.720, और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, 713। तो 713 किसके बीच में होगा, 710 और 720 के बीच में। मतलब अब ये जो दो पॉइंट है, फिर फर्दर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं एक बार ऐसे, ठीक है। यही दो पॉइंट को हम लोग जो पास पास है, इसको थोड़ा दूर दूर यहाँ पे लिखेंगे, 1.710 और 1.720। सेम यही दो पॉइंट को थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं ताकि हम लोग इसको फर्दर डिवाइड कर सकें, है ना। अब ये, अब आप ध्यान दें तो इसको हम लोग 710 है, ये 720, यानी बीच में 10 पार्ट्स में इसको अभी भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उसी तरह से, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पर ये 710 है तो ये क्या होना चाहिए, 11, ये होना चाहिए 712, ये होना चाहिए 713। मतलब ये जो पॉइंट मिला हमको ये होगा 1.713, ठीक है। तो थ्री डिजिट्स अगर है तो उसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि अगर आप ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली आपको क्लास 10 में पढ़ना था, बट हमारे सिलेबस में है तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसके लिए चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये फर्दर आपको क्लास 10 में पढ़ना है। और एक अच्छी बात ये भी है कि क्लास 10 के सिलेबस में भी ये टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, तो आप प्रयास करिएगा समझने का। अगर समझ जाते तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आते हैं तो दो तीन बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। बट आई होप कि आपको ये वन डिजिट और टू डिजिट तो क्लियर हो गया होगा, थ्री डिजिट में भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें हम लोग को थ्री स्टेप्स में उस पॉइंट को हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को हम लोग पिछले पार्ट में भी सीखे थे, समझे थे थोड़ा बहुत। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम लोग नहीं कर पाए थे उसमें, उसको यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विच टू नंबर्स, बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंथ प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। मतलब ये जो टेंथ प्लेस पे हमें बताना है कि 0.06 किन दो टेंथ के बीच में आता है। तो 0.06 के पहले हमारा क्या होगा, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो हमें टेंथ प्लेस पे डिजिट देखना है। टेंथ प्लेस पे क्या है, जीरो है, है ना, टेंथ प्लेस पे जीरो है। तो इसका मतलब ये किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0.0 एंड 0.1। अब हमको हंड्रेड्स प्लेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको टेंथ प्लेस पे बताना है कि कौन से दो ऐसे डेसिमल नंबर हैं या टेंथ प्लेस है जिसके बीच में ये हमारा 0.06 आएगा। तो हमें क्या करना है, टेंथ प्लेस पे देखिए क्या है, जीरो है, तो 0.0 लिख दिए, और जीरो के बाद क्या होता है, वन होता है, तो 0.1। तो ये हो गया हमारा आंसर, 0.0 एंड 0.1। अब एक और समझते हैं, 0.45, ये कौन दो टेंथ प्लेस के बीच में है, है ना। तो आप क्या करेंगे, टेंथ प्लेस पे गौर करिए, टेंथ प्लेस पे क्या है, फोर है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 0.4 एंड 0.5। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 0.4 को आप लिख सकते हैं 0.40, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि 45 किसके किसके बीच में होगा, 40 एंड 50 के बीच में।
उसी तरह इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 0.00 एंड 0.10। ऑब्वियसली 0 और 10 के बीच में 6 होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप बाकी जो डेसिमल्स हैं उसका भी आप आंसर बता पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ओवर हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। मतलब अगर डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल भी एक फ्रैक्शन ही होता है, तो अगर कोई डेसिमल है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको समझते हैं। तो इसमें भी हम लोग तीन तरह का डेसिमल लेते हैं। एक वो जिसमें सिर्फ 10th प्लेस है, एक वो जिसमें 2 डिजिट से मतलब 100th प्लेस तक है, और एक 3.250। ठीक है, एक 3 डिजिट वाला डेसिमल, एक 2 डिजिट वाला डेसिमल और एक 1 डिजिट वाला डेसिमल, इनको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमको सबसे पहले ध्यान देना है इसके डेसिमल पार्ट में। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है पहला में, डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है। तो जब डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट हो तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.4 इज इक्वल टू 24/10। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब रिड्यूस करना टू इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो अब ध्यान दें तो इन दोनों ही जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो 24 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 12, और 10 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 5। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं, तो 5 × 2 = 10, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगर 2 नंबर हैं, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं, तो क्या करेंगे, किसे डिवाइड करना है, 100 से, यानी पॉइंट आपको हटा देना है और 100 से डिवाइड कर देना है, या ये कहीं के नीचे जो है उसका नंबर आएगा 100। अब ये हो गया 4 × 21/100। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो। बट यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर हमको दिख नहीं रहा है ना, तो ये इससे फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं। इसको आप चाहें तो बस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 21/100। डिवाइड करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखे हैं, तो उसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहीं आप भूल गए हो तो। हमें करना क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 100 × 4 = 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 होगा। तो ये जो क्वोशेंट आता है वो हमारा हो जाता है होल पार्ट, ठीक है। ये क्वोशेंट हमारा बन जाएगा होल पार्ट, ये रिमाइंडर हमारा बन जाएगा इसका न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर था हमारा वो डिवाइजर ही रहेगा, ठीक है, मतलब नीचे ही रहेगा, है ना। जो नीचे था हमारा डिनोमिनेटर वो यहाँ अभी भी नीचे ही रहेगा, बस इतना बातों को ध्यान देना है। अब अगेन आप समझ गए होंगे कि अब अगर किसी डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स हो तो हमें किससे डिवाइड करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर इसमें 5 हमको दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है, तो पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, एंड अगेन 5 × 5 = 25, ये 200 टाइम्स मिल जाएगा। फिर ये अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, एंड 5 × 1 = 5, और ये 5 × 4 = 40, मतलब ये 131/40 हो गया, है ना। सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई किए तो 131/40 हो गया। इसको फर्दर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत सिंपल था, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अगर फ्रैक्शंस है तो उनको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5, 12/25, ठीक है, दो ही लेते हैं, प्रोसेस सब में सेम है। तो करना क्या है हमें, दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि हम लोग को डेनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वो 10 हो जाए या 100 हो जाए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 2/5 में 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 हो जाता है, ठीक है। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं रह जाएगा।
तो हम क्या किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी कर दिए, तो क्या हो गया 4/10, इसका मतलब होगा 0.4। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जो न्यूमरेटर है, ये फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। अब आप देखिए 2 तो 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो 0 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, जब नहीं होगा तो 0 टाइम्स में। अब उसके बाद पॉइंट दे देंगे, है ना, जो हमारा कोशेंट है उसके बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट दे के अब क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट देंगे एक जीरो आ जाएगा, सिर्फ एक बार में एक जीरो। तो अब ये जीरो आने से क्या हो गया, 20 हो गया। तो अब 5 को 20 से, आई मीन 20 को 5 से डिवाइड करिएगा तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0.4। अभी देख सकते हैं आप क्लियरली 2/5 इज इक्वल टू 0.4। तो दोनों ही मेथड से हमें क्या मिला, आंसर 0.4 मिला। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ 12/25 है, तो अगर मल्टीप्लाई वाला मेथड हम यूज करें तो 25 में देखिए ध्यान दीजिएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 तो होगा नहीं। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो जब नीचे की तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 12/48 और नीचे 100, अब 14/100 क्या हो जाएगा, 0.48। ठीक है, ये मेथड बहुत इजी होता है जब अगर हमें मालूम है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो 10, 100 या 1000 हो जाए। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि डिवाइड करें, तो अगेन ये 0 टाइम्स में ही जाएगा, पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, 4 टाइम्स में 100। अब डिवाइड करना तो आपको आता है, ठीक है, हर बार जीरो आते रहेगा। देखिए अभी 20 है, रिमाइंडर 20 बच गया, अभी तो एक और जीरो आ जाएगा, जब तक ये पूरा कटता नहीं तब तक जीरो आते रहेगा। तो फिर एक जीरो आया, अब ये कटेगा आपका 8 टाइम्स में 200 हो जाएगा। तो इस मेथड से भी आपका क्या आया, 0.48 ही आया। तो ठीक है, हम लोग समझ गए कैसे करेंगे कन्वर्ट। अब हम लोग कंपेरिजन की बात करते हैं, कैसे अगर कोई 2 डेसिमल है तो कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए 0.5 और 0.05 कंपेयर करना है कि बड़ा है कौन छोटा है कौन, या एक दूसरा नंबर लेते हैं 8। 2 डेसिमल्स हैं, हमें ये पता करना है कि हमारा 0.5 0.08 से बड़ा है या छोटा है, तो कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में। तो लाइक डेसिमल्स क्या होता है, ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम, जैसे 1.25, 1.05, 2.00, 18.01। हमें क्या देखना है, यहाँ पे डेसिमल पार्ट को देखना है। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2-2 डिजिट है सभी में, तो ये सभी क्या हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए। और अनलाइक डेसिमल क्या होगा, अगर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहां पे डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे एक ही डिजिट है, यहां पे 3 डिजिट है, तो ये चारों जो है लाइक डेसिमल्स नहीं है, अनलाइक डेसिमल्स है। तो अगर लाइक डेसिमल्स है तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट अनलाइक डेसिमल्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उस सिचुएशन में करना क्या है कि हमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे करते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि हमें देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, तो 3 है, तो जो कमी है वहाँ पे हम लोग 0 प्लेस कर देंगे। जैसे 2 यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 0 प्लेस कर देंगे, 3 हो गया, यहाँ पे 2 है तो एक डिजिट का कमी है तो एक 0 प्लेस कर दिए, यहाँ पे 2 0 प्लेस कर दिए। तो ऐसा करने से ये जो अनलाइक डेसिमल्स था वो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी हमें वही करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 प्लेस कर देंगे। अब ये देखिए, अब जब लाइक डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमें बस देखना है कि पॉइंट को आप हटा दीजिए, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। अब बताइए कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 50 बड़ा है, इसका मतलब 0.5 हमारा बड़ा हो गया 0.08 से, बस इतना ही करना है।
लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल को रिमूव करके आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस वर्क कर लेते हैं। तो जैसे ये है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम टू द लोएस्ट। चलिए तो ये 3.9 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली भी मैंने बताया था, एक डिजिट है तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। अब क्या ये किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड हो सकता है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यही हो गया हमारा आंसर। हम लोग अभी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो आपको आता है, अगर जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा, वैसे हम लोग अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में दो डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट को हटाइए और 100 से डिवाइड करिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर है 5, तो इसको हम लोग उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। आई मीन 5 से करें ना तो 20 हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, मतलब क्या हो गया हमारा 5/4 हो गया। तो 1.25 कन्वर्ट होके क्या हो गया, 5/4। इसी तरह से बाकी आप कर सकते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है ना। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं पिछले क्लास में, तो अब इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आई थिंक आप आसानी से बना लेंगे बाकी क्वेश्चंस को। अब ये उल्टा है, यहाँ पे फ्रैक्शंस को हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये भी समझ लीजिए। टू फाइव एट हमें देखना है कि जो फ्रैक्शन है हमारा, अगर 1000 है, 100 है, 10,000 है, 1000 है या 10 है, तब तो बहुत ईजी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ये हमारा 258/1000, तो हम क्या करेंगे, 258 लिख देंगे। अब और जो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमें डिनोमिनेटर करना है क्या है, तो काउंट करिए कितने जीरो हैं इसमें, 3 जीरोज हैं ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आपको कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं समझ में आए, तो हमें समझ लेना है कि वंस प्लेस के ठीक बाद यहाँ पे एक डेसिमल है, ठीक है ना, यहाँ पे डेसिमल है। अब ये डेसिमल पॉइंट क्या होगा कि जब हम थाउजेंड्स को हटा देंगे नीचे से, तो ये 3 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा। तो आप काउंट करिए 1, 2, 3, मैंने 2 के पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ डेसिमल के पहले तो कुछ है नहीं, तो हम लोग अपने तरफ से 0 लिख देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। उसी तरह से 13/100 है, तो आप क्या करें, 100 को हटा लें, 100 को लिखने की जरूरत है नहीं, डेसिमल में लिखना है। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले, डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, कहीं नहीं तो यहाँ पे है, तो यहाँ से हटाकर 2 डिजिट पहले यानी यहाँ पे लिख देना है, और पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देना है। एक और समझते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर हमने लिख दिया 16, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 40 है ना, 10,000 है हमारा डिनोमिनेटर, 40 है, और यहाँ पे 2 ही डिजिट है। तो अब क्या करें, पॉइंट तो हमारा यहाँ पे, डेसिमल तो यहाँ है, अब यहाँ से इसको हटाना है और कहाँ लाना है, 4 डिजिट लेफ्ट ले जाना है, और यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से 2 जीरो लिख देंगे। अगर डिजिट नहीं हो रहा है पूरा तो 0 हम लिख सकते हैं, 2 डिजिट का कमी है तो 2 जीरो लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ से डेसिमल हटा कर यहाँ पे लिख देंगे, और फिर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो एटलीस्ट ये एक आप ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, उनको भी आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल। तो कंपेयर करना है तो बहुत ईजी लग रहा है। कंपेयर करने का मतलब है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये बताना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में है सब, ये भी लाइक डेसिमल में है, हाँ, यहाँ पे आपका अनलाइक डेसिमल है, यहाँ पे अनलाइक डेसिमल है। तो लाइक डेसिमल में तो कुछ नहीं करना है, आप डेसिमल को रिमूव कर दीजिए, और तो क्या हो जाएगा हमारा, डेसिमल को रिमूव करने पर 1356 और ये हो जाएगा 1376। अब देखिए कौन बड़ा है इन दोनों में, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये छोटा है तो लेस देन का साइन लगा देंगे, लेकिन पॉइंट हमें लिखना है अभी, ठीक है ना, पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी लाइक डेसिमल है, तो 2.396
अब आप इमेजिन करिए कि पॉइंट नहीं है इसमें, और फिर उसके बाद अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 2396 इज लेस देन 2397, लेस देन का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे अपने तरफ से। ठीक है, जीरो हम लोग लगा दिए, तो अब यहाँ पे दोनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, अब उसके बाद आप कर कंपेयर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका होल पार्ट तो इक्वल है, केवल डेसिमल पार्ट आप चेक कर लीजिए 8986, मतलब 8986 है और ये 8920 है, तो कौन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली ये 86 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए। होल पार्ट अगर बराबर है तो केवल डेसिमल पार्ट भी आप चेक कर सकते हैं लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। तो इसी तरह से ये जो डी नंबर है इसको आप खुद कर लीजिएगा। या चलिए मैं ही कर देता हूं, यहां फोर डिजिट है एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे अपने तरफ से तीन जीरो लगा देंगे, फोर डिजिट हो गया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आप डेसिमल होल पार्ट को अगर आप देखें तो सेम है, होल पार्ट दोनों में सेम है, तो हम सिर्फ डेसिमल पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। तो अभी तो देखिए 8000 है और ये 9000 है, देखने से लग रहा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो लेस देन का साइन दे दीजिए। ठीक है, अब अगेन वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग को बस फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। तो आई होप आपको जो बताया गया, मेनली हम लोग थोड़ा सा रिवाइज किए हैं नंबर लाइन को कैसे, डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें और कैसे दो डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं, इसी पर आज के इस वीडियो में चर्चा हुआ है। ये दोनों ही टॉपिक कॉन्सेप्ट्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, दो नंबर्स को कंपेयर करना या उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दोनों ही टॉपिक अत्यधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसको हमने समझा भी और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया, तो आप क्या करेंगे कि आप आपके बुक में और भी इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आप पूरा करेंगे ताकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता जाए। ठीक है, और इसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको पहले खुद बनाएंगे, है ना, और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, समय को देखते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स को करेंगे और साथ ही साथ जो आगे के टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।